शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से। देखिए, खबर सामने आ रही है कि राजस्थान मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, ये मंत्रिमंडल विस्तार अशोक गहलोत के कहने पर ही होगा, यानी कि अशोक गहलोत का आखिरी फैसला होगा। और अगर अशोक गहलोत राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर अपने ही ज्यादा करीबी विधायकों को जगह देंगे, मंत्रियों को जगह देंगे, तो सचिन पायलट की नाराजगी बढ़ना तय है। और खबर देखिए मेरे पास जो है वो ये बता रही है कि अशोक गहलोत की मर्जी से होगा राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल। सचिन पायलट समर्थकों को मिलेंगे केवल और केवल 3 पद। यानी कि आप ये देखिए कि अशोक गहलोत ने राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी सत्ता में बने रहना है और मंत्रिमंडल में अपने विधायकों को, अपने करीबी लोगों को जगह दिलवाना है। ऐसे में आपको बता दें कि अशोक गहलोत का ये कदम न सिर्फ गहलोत की कुर्सी गिरा सकता है, बल्कि सचिन पायलट का मन भी बदल सकता है। सचिन पायलट इस वक्त जिस तरह मजबूत स्थिति में खड़े हैं, ये बात गहलोत जानते हैं, सोनिया गांधी भी जानती हैं, और आला अगर बात करें तो अजय माकन भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से उसके बावजूद अशोक गहलोत मनमाना रवैया अपना रहे हैं, ये मनमाना रवैया सचिन पायलट को कतई भी पसंद नहीं है। खबर की तरफ बढ़ रहे हैं और खबर जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप में चौंका रही है। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात मान ली है। अब तक हटाए जाने वाले मौजूदा मंत्रियों और मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नए चेहरों के नाम अपने स्तर पर तय करने को लेकर आलाकमान अड़ा हुआ है, लेकिन अब आलाकमान ने यह काम गहलोत पर छोड़ दिया है। गहलोत ही मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने और हटाए जाने वाले मंत्रियों के नाम तय करेंगे। गहलोत के मुताबिक तय होगा कि किन मंत्रियों को हटाना है और किन मंत्रियों को नहीं हटाना है। आपको बता दूं कि हाल ही में अजय माकन ने राजस्थान में कांग्रेस का दौरा किया, कई पार्टी के नेता और विधायकों मंत्रियों से बातचीत की। विधायकों और मंत्रियों से बातचीत करने के बाद अजय माकन ने यह रिपोर्ट सीधे तौर पर दिल्ली भेजी। देखा गया कि अशोक गहलोत के जो मंत्री थे, उन्होंने मंत्रिमंडल में रहते अपना काम सही ढंग से नहीं किया। ऐसे में अशोक गहलोत के जो करीबी मंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल से छुट्टी होना तय बताया जा रहा था, लेकिन अशोक गहलोत ने अब टांग अड़ा दी है और उन्होंने कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार उनके मुताबिक होगा। किन मंत्रियों को हटाना है, किन्हें नहीं हटाना, ये गहलोत तय करेंगे। और जाहिर सी बात है कि गहलोत अपने मंत्रियों को तो नहीं हटाएंगे, उनको हटाएंगे जो पायलट के समर्थक हैं, यानी पायलट के करीबी जो मंत्री हैं। तो ऐसे में आप ये देखिए कि अशोक गहलोत ने दोबारा उलझन खड़ी कर दी है सोनिया गांधी के सामने। लेकिन आप यहाँ पर यह भी समझिए कि क्या सोनिया गांधी से बढ़कर अशोक गहलोत हो गए हैं? क्या सोनिया का फैसला भी अशोक गहलोत को मान्य नहीं है? क्या सोनिया गांधी के कहने के बावजूद अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी टांग अड़ा रहे हैं? दरअसल अगर देखा जाए तो हाल ही में अजय माकन ने खुलकर ये कह दिया था, दरअसल कुछ मुख्यमंत्री इस गलतफहमी में हैं कि शायद पार्टी वही चला रहे हैं और पार्टी जीतती भी उनकी वजह से है। लेकिन माकन ने कहा कि ये गलतफहमी मुख्यमंत्रियों को अब हटानी चाहिए, क्योंकि पार्टी उनकी वजह से नहीं चल रही है, पार्टी चल रही है पार्टी आलाकमान की वजह से। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की गलतफहमियां इन मुख्यमंत्रियों ने पाल रखी है, इन गलतफहमियों को अब नहीं पालना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर अशोक गहलोत का ये कहना कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन रहेगा, जो फेरबदल होंगे वो हम ही तय करेंगे, मंत्री कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये भी हम तय करेंगे, यानी कि आप ये देखिए कि सचिन पायलट से सीधी सीधी दुश्मनी गहलोत ले रहे हैं, और गहलोत को सचिन पायलट से दुश्मनी लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत नाजुक स्थिति में राजस्थान कांग्रेस की सरकार चल रही है। अगर जहां भी सचिन पायलट ने मन बना लिया और अपने विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने पर उन्होंने फैसला कर लिया, तो शायद जो है आगामी समय की स्थिति अलग हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह के हालात बन चुके हैं, ये हालात अपने आप में अलग दिख रहे हैं।
चलिए खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आलाकमान ने बीच का रास्ता निकालते हुए पायलट खेमे को तीन मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष का एक पद देने का मन बना लिया है। इनका नाम गहलोत तय करेंगे कि किन्हें देना है। इस संबंध में प्रदेश प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अशोक गहलोत व सचिन पायलट के साथ चर्चा भी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी का कहना है कि मौजूदा हालात में कांग्रेस नेतृत्व दुविधा में है। वो ना तो गहलोत को नाराज करना चाहते ना ही पायलट को, और सबसे बड़ी बात तो है कि गांधी परिवार के निकट होने के साथ ही गहलोत का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व अन्य दल के नेताओं से अच्छा संपर्क रहा है। देखिए, राजनीति गांधी परिवार की जो चली आ रही है वो राजनीति अब सोनिया के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के कई नेता ये कह चुके हैं कि परिवारवाद की राजनीति सोनिया गांधी करती हैं, और परिवारवाद की ये राजनीति सोनिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, अशोक गहलोत गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, जिस वजह से उनका पार्टी के कई नेताओं से अच्छा खासा रिश्ता भी है। यही वजह है कि अशोक गहलोत मनमाना रवैया अपना रहे, मनमानी कर रहे हैं। लेकिन सोनिया को अब समझना पड़ेगा कि अगर गांधी परिवार की ये राजनीति जिस तरह परिवारवाद की चल रही है, अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो पार्टी सिमट कर रह जाएगी, और अगर पार्टी सिमटती है तो पार्टी को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। मौजूदा हालात कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। पार्टी काफी हद तक सिकुड़ चुकी है, पार्टी के नेता अलग थलग पड़े हैं, और पार्टी के नेताओं ने यहां तक कि पार्टी से काफी हद तक रिश्ता भी तोड़ लिया है। दरअसल सोनिया गांधी की एक गलती की वजह से पार्टी के नेता अलग थलग हो गए और पार्टी नेताओं ने सोनिया के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। दरअसल अगर देखा जाए तो परिवारवाद की राजनीति जो सोनिया गांधी करती आई है ये किसी नेता को पसंद नहीं है। चाहे कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, या फिर और जो है राज बब्बर, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि पार्टी में ये नेता काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी को मजबूत करने में इन्होंने भी अपना पसीना बहाया, तो जाहिर सी बात है पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। लेकिन राहुल और प्रियंका पर फोकस सोनिया गांधी का है। अगर बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो गहलोत पर पूरा भरोसा है, तो पूरी तरह से सोनिया गांधी की स्ट्रेटेजी विफल साबित हो रही है। और अगर सचिन पायलट पार्टी से अलग होते हैं तो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो गिरी जाएगी, इसके साथ ही साथ एक और युवा नेता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सोनिया ने उन उम्मीदों पर पानी फेरा। नतीजा हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, और बीजेपी में कई बड़ी जिम्मेदारियां ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली। चलिए जितिन प्रसाद की भी बात करते हैं। जितिन प्रसाद युवा नेता, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे और बहुत अच्छी पकड़ ब्राह्मणों पर थी। प्रियंका गांधी ने स्ट्रेटेजी बनाई, जितिन प्रसाद को अलग किया, मौका यह हुआ जितिन प्रसाद ने पार्टी ही छोड़ दी। अब आ जाते हैं राजस्थान में भी। राजस्थान में भी यही हाल है, राहुल और प्रियंका का पूरा फोकस अशोक गहलोत पर है, तो सोनिया का झुकाव भी गहलोत की तरफ दिख रहा है। तो ये पूरे हालात जो बने हैं इससे स्थिति खराब हो रही है, और सचिन पायलट जो है अब वो आर पार की लड़ाई लड़ते दिखाई दे। क्या स्थिति रहेगी राजस्थान की, हम आपको और बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।